نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأحزاب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال عز وجل كما ورد في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال الله جل وعلا كما ورد ثلاث مرات في القرآن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا अल्लाकमरजन तबाह आमीन या रबीन नबी अक्रम सल्हसम व फिदा अबाउ ना वमहातना की सीरत मतहरा के बारे में या यूं कह लीजिए कि उस सीरत मतहरा के फ़लसे औरत के बारे में चार गुफ्तगुएँ इससे कबल हो चुकी हैं पहली गुफ्तु का नब लुबाब के हजूर की असल अजमत तकमील नबूत और इसालत पर मबनी है दूसरी का गुफ्तु का कि नबूत का की तकमील का मजहर अव्वल कुरान मजीद में हिदायत का कामिल हो जाना और उसका फिर महफूज कर दिया जाना तीसरी गुफ्तु नबी अक्रम पर तकमील नबूत का दूसरा मजहर कि आप सल्ला वसलम पर बीन हक उसको मुकम्मल कर दिया गया तो ये दो मज़ाहिर तो हैं कि जो नबूवत के हैं तीसरा फिर उसके बाद की तकरीर में बात आई कि अब रिसालत की तकमील का मजहर अव्वल क्या है कि आपकी रिसालत आ, आलमी आफाक़ी तमाम दुनिया वालों के लिए पूरी इंसानियत के लिए आज हम जरा इससे आगे बढ़ कर नबी अक्रम सल्ला वम पर रिसालत की तकमील का जो दूसरा मजहर है दीने आप अल्लाह के दीन को गालिब करें पूरे के पूरे दीन पर या तमाम अदियान पर आज इसके बारे में गुफ्तू होगी लेकिन उसके लिए तमहिदन मुझे आपको बताना होगा कि हमारे अकायद में तीन बुनियादी अकाइद हैं ईमान बिल्ला या तोहद ईमान बिल आखिर या ईमान बिलकयाबा या ईमान बिलमाद और तीसरे ईमान बिल रसालत नबूत और इसालत इन तीनों के अंदर मनतकी रफ्त क्या है देखिए इस कायनात का और हयात इंसानी का गोया के अव्वल व आखिर जिसको के कहा है हजरत शेख मुजद्दिद अल रहमतुल्लाह मुजदल्फ़ानी अल्लाह हो अल अल्ला अव्वल और उसके बाद आखिर आखिरत आखिर आने वाली है इन दोनों के दरमियान जो नस्बत है वह क्या है अल्लाह ने इंसान को पैदा किया पूरी कायनात को पैदा किया और अशरफुल मखलूक की हैसियत से इंसान को पैदा किया उसकी जिंदगी को उसने चंद हिस्सों में तकसीम किया दार्तान है ये अल्लाह तलक अलमातवल हयातुम अहसनो अमला कौन तुम्हें से अच्छे अमाल करता है यह देखने के लिए अब आजादी दी है हाथ पाँव दिए हैं भाग दौड़ करो फिर पता चल जाएगा हुस हु कौन कितने पानी में है और फिर ये कि ये जो भी सूरत हाल है उसका नतीजा निकलेगा यौम्ल क़यामत को कौन कामयाब कौन नाकाम और उसके बाद आखरत की ज़िंदगी जो शुरू हो जाएगी कामयाब लोगों के लिए रोहुन व रौहान उन जन्नत नईम और जो लोग नाकाम हो जाएंगे तो उनके लिए जहन्नम है जैसा कि मैंने ख़ुतबा आपको सुनाया हुजूर का वह इहाल जन्नत नबदा ना औ नारुना नबदा अब इसमें एक सवाल पैदा होता है कि इम्तिहान दिया जाता है कुछ सिखाकर कुछ पढ़ाकर आजमाया जाता है कुछ देकर जैसे आप बच्चे को साल भर तालीम देते हैं साल के अख्ताम पर इम्तिहान होता है इसी तरीके से आप किसी बच्चे को सौ रुपए का नोट देकर देखते हैं कि ये कहाँ जाता है ये चाट खाने की तरफ दौड़ता है या कहीं से रिसाले वगैरह खरीद रहा है किताबें पढ़ता है किताबें खरीदता है मालूम हो जाएगा रुझान क्या है तो हमारा जो इम्तहान है उसकी बुनियाद क्या है देखिए उसकी बुन, अव्लिन बुनियाद क्या है अल्लाह ताला ने हमें समात दी बसारत दी अक्ल दी खोलाक जमी देख फलक देख फजा देख अल्लाह ताला ने हमारे अंदर नेकी और बदी का शूर ये जो है इल्हामी तौर पर हमारे अंदर रख दिया है जैसे कि फरमाया गया व नफसि व मास फजूर व तखवाहा यह नफ़् इंसानी शाहिद है और जैसा कि उसको तैयार किया गया है और यह कि उसके अंदर इल्हामी तौर पर वदियत कर दिया गया है शूर के नेकी क्या है बरी क्या है फिर रूह जो इसके अंदर फूकी गई है वह नफक तो फ़ी हैूही उसमें मैंने अपनी रूह में से फूका है तो इससे रूह इंसानी के अंदर अल्लाह की मार्फत और अल्लाह की मोहब्बत मौजूद है बिलकुआ मौजूद है इस बिना पर एक इम्तहान तो यह है कि कोई अल्लाह को पहचानता है या नहीं वो अंधा बहरा होता है और वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात का बंदा बनकर रहता है वो नेकी और बदी में इम्तियाज नहीं करता अगर ये है तो वो गोया के पहले इम्तहान में फेल हो गया पहला इम्तहान जो है उसके लिए कोई नबी आता या ना आता बराबर था ये तो अल्लाह ने वदियत किया हुआ तुम्हारे अंदर उसकी बराबर तुम्हारा इम्तिहान है लिहाजा जिन लोगों तक किसी नबी की दावत नहीं पहुंची उनका भी मुहासबा होगा लेकिन तोहहीद की बुनियाद सोच इसलिए कि वो फितरत के अंदर था तुम्हारे हमने तुम्हारे अंदर ये चीज़ें वदियत कर दी थी तुम्हें फिर समात और बसारत भी थी कायनात को देखो और हमें पहचानो ये हमारी आयात हैं चारों तरफ फैली हुई अलबत इससे आगे फिर जब आकाम आए ये करो ये ना करो ये हलाल है ये हराम है ये जायज़ है ये ना जायज़ है ये फ़र्ज़ है ये ममनू है अब यहाँ पर सवाल पैदा हुआ कि अगर ये बात लोगों तक पहुँचाई ना जाए तो फिर मुहासमा किस बात का अगर तो लोगों को ये बात बता दी जाए असल में ये चीज़ें जो है फितरत के अंदर नहीं है पूरे तौर पर इसके लिए तो जाहिर बात है इंसान मोहताज है हिदायत का मोहताज है इसीलिए जब चार्ज दिया गया हज़रत आदम आसम को दुनिया का तो फरमा दिया गया ये चार्टर था जो दिया गया है ख़िलाफ़त अर्जी के लिए इमा यातिन तबाया फ़िलाँसलूम जब जब भी तुम्हारे पास कोई हदायत मेरी तरफ़ से आएगी तो जो कोई उस की पैरवी करेगा तो उसके लिए न खौफ हो गलह वल्लिन कहर व कसबू भी आयातना का लेकिन जो लोग कुहर करेंगे इनकार करेंगे हमारी आयात को वो वह जहनमी होंगे उसमें हमेशा विश हमेश रहेंगे तो यहाँ पर असर में ज़रूरत पेश आई कि अल्लाह बारे में नबियों के जरिए से वो हिदायत भेजता था और नबियों के जिम्े ये होता था कि वह उस हिदायत को या हिदायत को लोगों तक पहुँचा दें और उसको कौलन भी पहुँचाएँ अवलन भी पहुँचाएं यानी जो कुछ दावत दे रहे हैं जबान से उसका नमूना अपने अमल में भी पेश करें इसलिए कि शहादत कौली शहादत अमल ये दोनों होंगे तो शहादत का पूरा जो है हक अदा होगा इस बात को क़ुरान मजीद में बयान किया गया चुनाचे मैंने सबसे पहले आपको आज सुर निसा की एक आयत का टुकड़ा सुनाया है ये मकाम ऐसा है बड़ा हसीन मकाम है बहुत से अम्बिया और रसुल का तस्करा किया गया है एक बड़ा हसीन गुलदस्ता अम्बिया और रसुल के नामों का हमें वहाँ मिलता है उसके बाद अल्लाह फरबाते रसुलम मुबेशन और व मुनसरिन ये वो रसूल थे जिन्हें हमने भेजा मुबशर और नज़ीर बनाकर लिन्ना से अल्लाह हजत बादर रसूल ताकि रसूलों की आमद के बाद लोगों के पास कोई हुज्जत न रह जाए अल्लाह के मुहासब उखरवी के मुकाबले में वकान अल्लाह आजीदीम अल्लाह अजीज़ है ज़बरदस्त है जैसे चाहे इम्तहान लेकिन ले वह हकीम भी तो है उसने अपने इम्तहान का एक निज़ाम बनाया है नबी आते थे ये हलाल है ये हराम है ये मत खाओ ये खाओ ये नाजायज़ है ये जायज़ है जना नाजायज़ है निकाह करो और तुम अपना जो है तभी तब, तखाजा पूरा करो तो इस तमाम को जब वो पहुंचा देते थे अगर ना पहुंचाया होता तो लोगों के लिए क़्यामत के दिन एक मौका होता है अल्लाह हमें तो मालूम नहीं था हमें तो बताया नहीं गया कि यह शह हराम है ये हलाल है ये जायज़ है ये नाजायज़ है ये फ़र्ज़ है तुम पर और ये चीज़ें जो है तुम्हारे लिए ममनू हैं हमें तो नहीं बताया गया तो ये हुज्जत ऐसी होती अगर चाहे दुनिया की अदालतों में तो हम ये कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़ कोई शख्स नहीं कह सकता मुजरिम जी मुझे तो कानून मालूम नहीं भाई मालूम था या नहीं था तुमने कानून तोड़ा है अब तुम्हें सजा मिलेगी लेकिन अल्लाह के हाँ ये बात नहीं है इग्नोरेंस जो है वो एक एक्सक्यूज़ बनेगी तो पहुँचाई नहीं गई बात हमें तो नहीं बताई गई तो हमारा मुहासमा किस बुनियाद पर लिहाजा नबी उस दावत को पहुँचाते थे और अपने अमल करके अपनी जिंदगी में दिखाते थे ताकि लोगों के पास कोई उजल बाकी ना रह जाए क्यामत के दिन क्या हमें पता नहीं था हमें बताया नहीं गया था अच्छा जो लोग उनमें से बांध लेते थे और सही अमल करते थे उनको बशारत देते थे तुम्हारे लिए जन्नत होगी आखरत में जो लोग इनकार करते थे अड़ जाते थे अपने कुफर पर तक़ज़ीब करते थे अंबिया की और उनकी लाई हुई तालीबात की उनके लिए वो नज़ीर बनकर आते थे खबरदार करने वाले देखो मौत के बाद तुम्हारा ठिकाना जहनम होगी तो ये बशारत और इंसार और दावत ये नबूवत का अवलन मकसद है इसके लिए दो अशिलाहत आप सामने ले आ इतम हजत नबी ने बात पहुंचाई और जिसका हक था अदा कर दिया पहुंचाने का और उसका अपना अमल भी पेश कर दिया साबित कर दिया तो गोया के हजत कायम हो गई उन पर आखिरी दर्जे में दूसरी सला कत उज़र के लोगों की तरफ से उज़र खत्म हो जाए वो ये जैसे मैंने कहा कि वो ये ना कह सके प्लीड ना कर सके इग्नोरेंस कि हमें तो मालूम नहीं था तो उनकी इस उज़ुर को ख़त्म करने के लिए इतमाम हजत के लिए नबी आए कतुर के लिए नबी और रसूल भेजे गए ये है नबूत का बुनियादी मकसद चुनाच नबी अक्रम सल्हलम के बेसत के जिमन में भी ये बुनियादी मकसद जो है नबूत का वो मौजूद है मैंने आपको सरा एज़ाब की आयत सुनाई या युन नबी ओ उन अरसना का शाहिद व मुबशरा व नज़ीरन व दायन बेजने ही व सराज मुनीरा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको भेजा है गवाह बनाकर हक़ की गवाही देने वाले कौल से अमल से फिर बशारत देने वाले जो उस रास्ते को इख्तियार कर करें और फिर खबरदार करने वाले उन्हें जो इसका इनकार करें और कुफर करें और अल्लाह की तरफ बुलाने वाले उसके हुक्म से उसके इजन से और फिर आपको रोशनी का हिदायत का एक चिराग रोशन चिराग बना दिया ये हैसियतें वो हैं कि जो तमाम अम्बिया में और हजूर में मुश्तरक हैं तमाम अम्बिया नज़ीर भी थे बशीर भी थे दाइल अल्लाह भी थे अपनी अपनी जगह पर हिदायत का चिराग भी थे लेकिन इन हैसियतों में भी हुजूर की एक तकमीली शान है इन तमाम हैसियतों में भी आपकी एक इतमामी कैफियत है लेकिन वो बात जो ख़ास आपके ऊपर की गई वो वो है कि ये जो निजाम जिंदगी था अब ये जुल्म का ऊपर जुलर हो चुका है है बादशाह बैठे हुए ऐश कर रहे हैं महलों के अंदर गद्दों के ऊपर और उनके लिए सारी जो मेहनत है किसान कर रहा है खेत के अंदर मेहनत खून पसीना उसका ऐश करता है जागीरदार और बादशाह इसी तरीके से काम कर रहा है कोई लोहार काम कर रहा है कोई तरखान है कोई कपड़ा बुन रहा है उन पर टैक्स लगा है टैक्स दो और उस टैक्स से जो है वो जागीरदारों की भी हवेलियाँ बनेंगी और बादशाह के महल बनेंगे और बादशाह जो है वहाँ पर अपनी फ़ौज भी उसी टैक्स से उठाएगा बढ़ाएगा उन्हें मुनम करके खड़ा करेगा कि अगर कहीं कोई बगावत करे कोई कलमा बगावत करे तो उसका सर कुचल दिया जाए ये निज़ाम जब जुल्म का आ गया है तो अब ए मोहम्मद अलैहि वसल्लम जो आपको दीन हक़ दिया गया है यह निज़ाम अदल है यह निज़ाम अतदाद है ये निज़ाम तोन है ये इंसाफ पर मबनी निज़ाम है इस निज़ाम को कायम करके दिखाइए ताकि हजत कायम हो सके अगर यह निज़ाम आप सिर्फ किताब में लिखा हुआ पेश कर देंगे तो जाहिर बात है कि वह हजत नहीं बनेगी जैसे इंफिदी सतह पर जिस बात की आप दावत दे रहे हैं नमाज पढ़ो तो आप नमाज पढ़ के दिखाएं रोजा रखो तो आप रोजा रख दिखाएं जिहाद करो तो आप जिहाद के अंदर खुद आगे से आगे हों इसी तरीके से जब आप पर दीद हक मुकम्मल हो गया कामिल निज़ाम निज़ाम जो मबनी पर अदल इंसाफ है जो मतदिल है जो मुतवाजन है जिसमें तमाम के हकूक मुन कर दिए गए उस निज़ाम को कायम करके दिखाइए गालिब करके दिखाइए ये है वो मिशन जो मोहम्मद का तकमीली मिशन है चुनाच इस जबन में मैंने एक तो आपको सुरहदीद की आयत नंबर पच्चीस सुनाई है इर्शाद होता है लक़त अरसल रसुल्ला बिल्बनात वनजल्ला मबल किताबाज़ान नाशु बिलकस्त हम ही ने भेजे अपने रसूल सल्लाम औरतम इन सबको हमने भेजा उनको क्या कुछ दिया बनात बनात कहते हैं बिल्कुल रोशन मुबरहन बरहन खुद वाजह चीज़ को कहते हैं बैन सी बात है भाई क्या हो गया तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है बैन सी बात है। बिल्कुल वाज हो तो बैनाथ से मुराद वो तलीमात भी हैं जो वो ईमान के जिमन में लाए जो फितरत इंसानी में पहले से मौजूद है और दूसरी तरफ वो मौजात भी हैं जो अंबिया और दिए गए सबूत के लिए कि अल्लाह की तरफ से फरिश्तादा है भेजे गए और उसके साथ ही फरमाया वंजल्ला माहम किताबलजान उनके साथ हमने किताब उतारी शरीय उतारी कानून उतारा लोगों के हकूक मुयन किए बीवी के क्या हकूक हैं क्या फरज़ हैं शौहर के क्या हकूक हैं क्या फराइज है जो हाकिम हो उनके क्या हुकूक हैं क्या फराइज है और जो भी उस वक्त रईयत है उस माहौल के अंदर जो उनका उनके क्या हुकूक हैं क्या फराइज हैं सरमायादार के क्या हुकूक हैं क्या फराइज हैं इसी तरीके से मजदूर के क्या हुकूक हैं या क्या फराइज हैं हमने एक निज़ाम दिया है और तराजू दिए हैं इसमें तोलो जो जिसका हक है उसको अदा करो और अगर किसी ने किसी और का हक़ गसब किया है तो उससे छीनू चनाचे यही बात कही थी हजरत अबू बकर रसी अल्लाह तुने जब बैत खिलाफत उनके हाथ पर हो गई तो जो खुतबा उन्होंने इस शादात फरमाया था बड़े प्यारे अल्फाज उसमें थे तुम में से जो कवि है वो मेरे नज़दीक ज़ीफ़ रहेगा जब तक कि उससे हक़ वसूल ना कर दूँ और तुम में से जो ज़यीफ है वो मेरे नज़दीक कवि होगा जब तक कि उसे उसका हक़ दिलवा ना दूँ तो फरमाया ये हमने सब कुछ किस लिए किया नबी क्यों भेजे रसूल क्यों भेजे रसूलों को मोजने क्यों दिए उन्हें किताब और शरीयत क्यों दी मीज़ार क्यों उतारी मकसद क्या है ले लेकूम नास किस्त लोग अदल पर क़ायम हो जो जिसका हक है उसे मिले बाप मरे तो बेटों का जो हिस्सा है बेटियों का जो हिस्सा है बेवा का जो हिस्सा उनको दिया जाए ये सारे हकूक़ और फ़रज़ हमने मुन कर दिए ताकि लोग अदल पर क़ायम हो अच्छा जैसा कि मैंने अर्ज़ किया सोशल एवोल्यूशन में ये निज़ाम अभी रफ्तार रफ्तार बढ़ रहा था अभी वह निज़ाम जब गारों में हम थे तो कोई निज़ाम था ही नहीं फिर कबायली निज़ाम हुआ मुख्तसर सा निज़ाम फिर सिटी स्टेट्स आई और फिर उसके बाद एम्पायर्स कायम हुई तो निज़ाम मोहकम नज़ाम जिसमें इंसान जकड़ा गया बुरी तरीक़े से तो इसके इलाज के तौर पर अल्लाह दीन हक़ को कामिल करके मोहम्मद रसूल पर उतार दिया चुनाच हुजूर की जो शान है इम्तियाजी कि वो अल्फाज जो किसी और रसूल के लिए नहीं आए कुरान में एक मरतबा भी न हज़रत इब्राहिम के लिए न हज़रत नू के लिए न हज़रत मूसा के लिए नज़रत ईसा के लिए अलहत वसलाम वो अल्फाज हजूर के लिए तीन मरतबा है कुरान मजीद मेंसूल वही है अल्लाह जिसने भेजा है अपने रसूल को सलमुदा देकर दीन हक देकर ताकि गालिब करें उस दीन हक को पूरे के पूरे दीन पर कुल्ले ही के दोनों मानी हो सकते या तमाम किताब अदियान पर और ये बहस हम पहले कर चुके हैं दीन किसे कहते हैं निज़ाम को मलिक जिक्र है सूरह यूसुफ में बादशाह ही निज़ाम बादशाह जो है हाकिम है मुतलक है सॉवरन है सॉवरनटी बिलोंग्स टू हिम वो जो भी कह देगा वो कानून है और वो जर हकीकत उस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सदाए देगा और कानून के मुताबिक बल्कि इस निज़ाम की खिदमत करने वाले जानसारों को वो तमग़े भी देगा और वो खिलकें देगा वो और इनामात देगा जागीरें देगा ये बादशाही निज़ाम अल्लाह का निजाम क्या अल्लाह को हकमक मानो और अल्लाह के रसूल को उसका नुमाइंदा मानो ये दीन है और इन दोनों की इतात पर मबनी निज़ाम होना चाहिए तुम्हारा इंफरादी भी इज्त भी इंफिदी सतह पर भी अल्लाह के बंदे बनो और रसूल की पैरवी करो सल्लाम और अज्तमही सतह पर भी तुम्हारा सियासी माशीती निज़ाम अल्लाह और उसके रसूल की हिदायात के मुताबिक होना चाहिए इसको गालिब करो कायम करो इस कायम और गालिब करने की क्या वजह है इसलिए कि अब अगर ये दीन हक पेश करते हो दुनिया के सामने तो जब तक उसे कायम करके दिखाओ ना इतमाम हजत नहीं होगा जैसे जतीी सतह पर जो तालीम दी आपने करके दिखा दी अब इज्तमी निज़ाम दे रहे हो तो इज्तमी निज़ाम का एक नमूना कायम करके दिखाओ ये दर हकीकत है जो मुश्किल काम था जो काम मुश्किल था वो मेरे हवाले किया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्किल तरीन काम दीन को गालिब करना निज़ाम खुदाबंदी को कायम करना ज़ाहिर बात है कि निज़ाम के साथ जो भी निज़ाम होता है दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ निज़ाम ना हो कहीं बादशाही निज़ाम है कहीं पर जो है वो नुमाइंदों का नाम नहाद जमहूरीत का निजाम है कहीं कोई आमिर है आखिर ज़ाहिर बात है कि वो अपने निज़ाम को चाहेगा स्टेटस को मेरा निज़ाम जूँ का तू रहे सरमाएारान निजाम है सरमाएदार कभी नहीं चाहेंगे कि उनके निजाम को कुछ छेड़े जागीरदार निज़ाम में जागीरदार कभी नहीं चाहेंगे कि जागीरदारियां खत्म कर दी जाए दे दे आर बाउंड टू इसलिए दो जगह पर आया है करे मुशरिकून शिर्क करने वाले कितना ही नापसंद करें कितनी मुखालफ करें कितना ही रजिस्ट करें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फर्ज मनसबी ये हैद्दीन कुल्ले पूरे के पूरे निज़ाम को जिसको कहा गया एक और जगह पर वह यकुल्दीन कुल्लू पूरा का पूरा दीन जो है वो अल्लाह के लिए हो जाए पूरा निज़ाम कोई शेय उससे बाहर ना रहे न सियासत न मीशत न रियासत न कानून ना इनफरादी ज़िंदगी न इजमाही ज़िंदगी ये सब के सब अल्लाह की तात में अल्लाह के निज़ाम में आ जाए ये निज़ाम अगर कायम करके ना दिखाया जाए तो वो जो दो अल्फाज मैंने आपको कहे थे इतमान हजत नहीं होता आप अच्छे से अच्छा निज़ाम दुनिया में किताब में लिख कर दे जाए लोग कहेंगे साहब ये ख्याली जन्नत है किसी ने लिखी है यह होना मुमकिन नहीं है ये तो एक ख्वाब है जो देखा है आपको मालूम है एक किताब अफलातून ने लिखी थी दी रिपब्लिक ऐसा निज़ाम होना चाहिए ऐसा निज़ाम हजूर सल्लम से तो बल्कि हजरत मसीह से भी चार सौ साल पहले की बात है हजूर से हज़ार साल पहले की बात है निज़ाम ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए इस तरह होना चाहिए उस सब किताब में लिखा रह गया उस किताब को अब कहा जाता है कि ये यूटोपिया है एक ख़्वाब था जो उसने देखा था दुनिया में एक दिन भी वो निज़ाम कहीं काय हुआ ही नहीं तो कायम करके दिखाओगे तो हुज्जत बनेगी उसका नमूना दिखाओगे तब इतमाम हुज्जत होगी उसका एक नमूना मॉडल पेश करोगे तब वो उजर हो जाएगा लिहाजा दीन को कायम करना गालिब करना यह फ़र्ज मनसबी करार पाया मोहम्मद रसूल सल्लम को तो का और इस एतबार से यह तकमील रसालत का दूसरा बसर है देखिए कोई आज कहता या कहे जैसे कि हजूर ने फरमाया था सैदुल कौम ख़ाद महम लोग कहेंगे बड़ा अच्छा शेर कहा है आपने लेकिन कभी ऐसा हुआ है सरदार खादिम होता कहीं लेकिन आज मोहम्मद ने जो निज़ाम कायम किया था हजरत उमर खादिम थे कि बादशाह थे हजरत उमर चटाइयों पर बैठे हुए हुकूमत कर रहे थे उनके पास कोई महल नहीं था हजरत अबू बकर का कोई महल नहीं था कुछ भी नहीं था इस एतबार से अगर हम कहते हैं सैयद अच्छा ठीक है बहुत अच्छा ख्याल आपने पेश किया लेकिन ये कि ये कोई होने वाली बात तो तो नहीं आज मालूम है 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 हो सकती हुई बड़ा हिस्टोरिकल ईरा है ये, तो ये पांच हजार साल पहले की बात हम नहीं कर रहे ये हजरत नू के जमाने की बात नहीं कर रहे ये हजरत इब्राहिम के जमाने की बात नहीं कर रहे ये तो चौदह सौ साल पहले की बात है ये निजाम कायम हुआ है दरवेश बादशाह जिनको के माना फिर ईसाइयों ने जब लड़े भिड़े बगैर यरोशलम जो है हवाले किया है मुसलमानों के हजरत उम्र को देख कर कहा हाँ यही वो दरवेश बादशाह है जिसके बारे में हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि यरोशलम उसके हाथों पर फतेह हो जाएगा आइए हाजिर है ये चाबियां हैं खोल लीजिए आइए ले जाइए तो ये काम अगर करके ना दिखाया जाता तो जैसा कि मैंने अर्ज किया है इसे यूटोपिया कहा जाए ख्याली जन्नत है अनहोनी सी बात है लिहाजा खत उजर और इतमान हजत इस इज्तमी सदे पर इसके बगैर नहीं हो सकता था कि वहाँ उस निजाम को कायम करके दिखाया जाए और ये निजाम को कायम करना पहले से मौजूद निजाम को उखाड़े बगैर तो नहीं होगा उसको जड़ से उखाड़ना एक आम पौधे को भी अगर आप खींचते हैं तो उसकी जड़ें जो है वो रोक रुकती हैं एक बड़ा दरख्त है तनावर है उसकी जड़ें दूर दूर तक गई उन्हें खींचना आसान है जाहिर बात है कि उसके लिए तसादुम होगा उसके लिए मुकाबला होगा उसके लिए जिद्द जहद होगी उसके लिए जाने देनी होगी, इसलिए कि एक इनकलाबी अमल है एक निज़ाम को बदल देना उस निज़ाम को बदलने के लिए इनकलाबी जद्दोजहद होगी और उसके लिए यह है कि इंसानों को जाने भी देनी पड़ेंगी उसके लिए कुर्बानियाँ देनी होंगी और यह सबसे मुश्किल काम दावत तबलीग में यही हो जाएगा ना कि कोई आपको कह देगा पागल है मजनून है कोई मजाक उड़ा देगा हो सकता है बच्चे कंकरियाँ फेंक दे, कुछ भी कर दे लेकिन यहाँ तो आप जब निज़ाम की बात करेंगे तुम्हारा निज़ाम गलत है इसको हमने ख़त्म करना है तो सारी ताकत जो है कुफर की और ताबूत की वो सारी शैतलत की क़ुतें जमा होकर आपका मुकाबला करेंगी लिहाजा ये है तकमील रिसालत का मजहर सानी दो जगह पर आया वलो करे मुशून एक जगह आया सुरह फता शहीदा मददगार की हैसियत से और गवाह की हैसियत से अल्लाह काफी है अः मोहम्मद ये कठिन काम है जो आपके कंधे पर आ पड़ा है इन्ना सनकी आने का कौलन सकीला सुरह मुजमिल में कह दिया गया था कि एक बड़ी भारी बात हम आपके ऊपर डालने वाले हैं ये भारी बात है जिसको मोहम्मद रसूल ने पूरा करके दिखाया और वो निज़ाम कायम करके उसका एक नमूना दुनिया के सामने पेश कर दिया अल्लाह ताला हमें तोफ़ी दे कि हम इस सल्तनत खुदादाद या ममलकत खुदादाद पाकिस्तान जो है इसमें उसी निज़ाम को हम कायम करें और अगर एक जगह भी ये निज़ाम उसी तरीके से उसी शान के साथ कायम हो गया तो इन शूरी दुनिया में फैल जाएगा जंगल की आग की तरह फैल जाएगा इसलिए कि इंसानियत तो तलाश में है कि उसे एक आदिलाना निज़ाम मिले इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन जस्टिस एंड फेयर प्ले, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो और तमाम मामला जो है इंसान के अदलो इंसाफ पर हो यह तो इंसान चाहता है लिहाजा अगर वो निज़ाम कायम हो गया तो फिर पूरी दुनिया लपक कर उसे कबूल करेगी अकुलफरमान